उत्सव के दौरान जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से नागपुर के सुप्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर की ओर से लगभग 1500 किलो के महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान BCN टीम से बात करते हुए उन्होंने बताया कि करीब 3.5 से 4 घंटों की समयावधि में इस महाप्रसाद को बनाने के लिए लगी। कहते हैं गणेश उत्सव यह पूरे साल में सबसे अच्छा समय है, या वो समय है जब आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। गणेश जी घर में शुभता, खुशहाली और मांगलिकता लेकर आते हैं। बापा के उत्सव के दौरान कई सार्वजनिक पंडालों द्वारा महाप्रसाद का आयोजन भी किया जाता है। इसी कड़ी में नागपुर के सुप्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर की ओर से जरूरतमंद लोगों में लगभग 1500 किलो के प्रसाद का वितरण किया गया। इस संदर्भ में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह महाप्रसाद बनाने से मुझे खुशी और समाधान मिला है। महाप्रसाद का आयोजन यहाँ पर हुआ है और तकरीबन 1500 किलो गणेश जी का महाप्रसाद है और मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि गणेश जी के पर्व में ये मुझे बनाने का अवसर मिला। तकरीबन 1.5 साल से कुछ ऐसा बड़ा आयोजन नहीं हुआ था कि जिसमें लोगों को कुछ खुशियाँ मिले, और इस महाप्रसाद के कारण मुझे एक तो खुशी बनाते समय, और ये महाप्रसाद बनाने के लिए तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लगे जरूर, पर उसका समाधान एक बहुत अलग तरीके से मिला। और इसमें तकरीबन 250 किलो दाल चावल, 200 किलो प्याज, दही 100 लीटर, तेल 100 लीटर, घी 50 लीटर और सारे मसाले जो है तकरीबन 100 किलो, तो ऐसी सामग्री है, 500 लीटर पानी इसमें लगा और 1500 किलो से ज़्यादा ये महाप्रसाद तकरीबन बना है। और ये सही मायने में महाप्रसाद कहेंगे इसको, क्योंकि क्या है कि नागपुर की जनता को हमने आह्वान किया, कई लोगों ने कुछ चावल ला दिए, कुछ सब्जी ला दी और कोई लोगों ने आर्थिक सहायता की, और ये करने के बाद ये प्रसाद बना है। और ये ऐसे बस्तियों में जा रहा है जहां लोगों को खाने के लिए प्रॉब्लम है, ऐसे बस्तियों में जा रहा है। मुझे खुशी है 15 NGOs के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे राजन और मैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ गणपति बापा को कि मुझे इस लायक समझा। बता दें कि इस महाप्रसाद को बनाने के लिए लगभग 3.5 से 4 घंटे की समयावधि लगी। बापा के उत्सव में हर तबके की ओर से अलग अलग आयोजन किए जाते हैं, जिसमें विष्णु मनोहर द्वारा जरूरतमंदों के लिए बनाया गया ये महाप्रसाद एक अनूठी पहल है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।